फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मेसी क्या सोच रहे थे? यही कि कौन है जो बिदिप्ता को अपना इंस्पिरेशन मानता है, जो अपने इस क्रेजी फैन के सपनों में दिन रात विचारती बिदिप्ता चक्र बोर्डती। सुपर बहुत अच्छा गाया। जितनी सुंदर तुम लगती हो उतना ही सुंदर गाना गाया तुमने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उस फिल्म में काजोल ने भी गाउन पहन के गाना गाया था, तुमने भी ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहना है। तुम ऐसे ही लग रही हो कि वो हीरोइन लग रही हो। क्या बात है। तुम सिंगर के साथ साथ एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हो, और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज आज के जमाने में इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेबैक, इट्स आल्सो अबाउट बीइंग अ ग्रेट परफॉर्मर, विच यू आर। थैंक यू सर। और मैं तो ये कहता हूँ कि इजहार मोहब्बत कर ही दो, अगर करते तो कैसे करते वो सोच कर कर लो। आओ ऋषि आओ। सर अपने स्टाइल में करना चाहूंगा। अपने स्टाइल में कर दो। अपने स्टाइल में चलिए, हो जाए। Give me your hands, sir. काल्पनिक तरीके से हाथ मिला लिया गया है। सुनो, पहले दिन से ही जब से मैं तुमसे मिला हूं तो
तुमको बहुत पसंद करता हूँ। वाओ यार, क्या काल्पनिक शुरुआत है। और शायद कुछ ना कुछ तो मैं ढूंढता हूँ तुम्हें, वो मिल तो नहीं पाता पर मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पर ऐसे डायरेक्टर मैंने क्या देखा कि प्रपोज करके लास्ट लाइन में नजदीक आना चाहिए तो तुम दो कदम पीछे चले गए। सर आप करो ना डायरेक्ट, एक बार अच्छे से ये सीन डायरेक्ट करो। एक्चुअली हो जाए, हीरो थोड़ा भोला है सर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वाओ यार वाओ, क्या बात है। अच्छा लगा यार, अच्छा लगा। ये काल्पनिक प्रेम देखकर हमें भी काल्पनिक मजा आया। थैंक यू ऋषि, सो स्पोर्टिंग। सर मैंने एक कहानी सुनी है, क्या ये सच है कि जब शाहरुख सर को बाजीगर के लिए अवार्ड मिला था तो वो अवार्ड जीतकर वो सीधा आपके घर पे आए थे? हाँ जी, हाँ जी आए थे। वो आए फिल्म फेयर अवार्ड में क्या जी? हम तो नए नए थे तो सब फ्रंट रो में बैठे थे वीआईपीस, हम सबसे लास्ट रो में बैठे थे। तो जब उनको अवार्ड मिला उस फिल्म को 9 से 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। क्या बात। फिर हम तो जो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो आफ्टर पार्टी थी तो सब लोग ने एंजॉय किया, हम तो सीधे घर चले गए। घर चले गए और जाके तो फिर सो गए हम लोग। सुबह 4 बजे घर पे नॉक हुआ तो अब्बास भाई के मिसेस ने दरवाज़ा खोला, अरे आके नींद से उठाया हमको कि वो शाहरुख खान आए हुए हैं, ये हाथ में ट्रॉफी लेके। क्या बात है। तो हमको नींद से उठे देखा, उन्होंने बोला अरे अब्बास भाई आके उन्होंने हमारे पैर छुए और बोला यानी पूरी फैमिली आई थी, प्रोड्यूसर्स आए हुए थे, अन्नू मलिक साहब आए हुए थे, सब आए थे। शाहरुख ने कहा कि मैं गौरी के पास जा नहीं सकता, घर नहीं जा सकता जब तक मैं आपकी ब्लेसिंग्स नहीं ले लूँ। ट्रॉफी फॉर यू, इसे कहकर हमको बोला और उसके बाद वो घर गए। नहीं तो, उनकी ग्रेटनेस है। हम लोग ये प्राउड कभी नहीं फील करते कि अच्छा शाहरुख खान हमारे घर पे आया था, लेकिन उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने ऐसा अच्छा जेस्चर दिखाया। बेशक। और अब परफॉर्म करने आ रही हैं शेजूति दास। एक्चुअली आदि भैया मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जरूर कहिए। जब से मैं एनएल में आई हूँ तब से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और इतना बड़ा मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ आपने से। तो मेरा जो म्यूज़िक के लिए ड्यूटीज़ हैं और मुझे लगता है वो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन मेरा और एक ड्यूटी बनता है जो सबसे मेन ड्यूटी है मुझे लगता है ऐसा जी। कि मेरे पेरेंट्स के लिए जो मेरा ड्यूटी है तो वो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है आज भी, इवन आज भी वो मतलब कोलकाता में हॉस्पिटल में है और मम्मी उनको लेके गई है आँखों के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको ग्लूकोमा आया है। तो स्ट्रोक के बाद एक और चीज़ तो मुझे उनके पास होना चाहिए लेकिन मैं नहीं हूँ। तो ये
ये मुझे बहुत ज़्यादा खटक रहा है, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इतना ज़्यादा. इवन मेरे घर पे अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसी साल मेरे बड़े बुआ का भी डेथ हुआ है, तो भी मैं नहीं जा पाई थी उनके पास, क्योंकि मुझे मुंबई में थी मैं. तो मतलब सबका भी तबीयत ख़राब चल रहा है घर पे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जितना भी हो सके कि यहाँ पे मैं रह के अच्छे से ध्यान दे के मैं कर रही हूँ कोशिश. और मैं अपने पेरेंट्स को मैं मिल नहीं पा रही हूँ, उनके लिए कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी. मम्मी अकेली प्रेशर लेके कर रही है, क्योंकि घर पे और कोई भी नहीं है, मेरे कोई सिबलिंग्स भी नहीं है, तो नहीं कर पा रही है. तो मैं पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, ये बोलना ठीक भी होगा कि नहीं, बट I really want to quit the show. क्या बोला आपने? I really want to quit the show. आप एक ऐसे स्टेज पे हो लाइफ में जहां पे अभी अभी इस शो के दौरान आपको जो पहचान मिलनी चाहिए वो मिल रही है, पूरी दुनिया से मिल रही है. और आपका ये कहना कि आप छोड़ के जाना चाह रही हैं, ये इस मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा. इट्स क्योंकि पेरेंट्स के साथ में होना ऐसे मौके पे जब उनको आपकी ज़रूरत है, इट्स आई थिंक हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं. ये जो दर्द है, मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता. सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. मगर अगर हिमेश जी अगर इजाजत देंगे आप, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, एंड पूरे दिल से कह रहा हूँ, डोंट थिंक कि इस स्टेज पे हम आपको खोना चाहते हैं फ्रॉम दिस कॉम्पिटिशन. आप अपने पेरेंट्स को बॉम्बे ले आइए, उनकी जो देखभाल है वो हम करेंगे, यहाँ पे सब अरेंजमेंट सारे करेंगे. आपको ऐसा कभी नहीं सोचने की जरूरत है कि मैं अकेली पड़ रही हूँ उस लड़ाई में. वी आर विथ यू. और मतलब आपको कोई भी जरूरत पड़े, थोड़ी सी भी डॉक्टर की जरूरत पड़े, आप मुझे फोन करो, आप हमें फोन करो, यहाँ पे वी विल ऑर्गेनाइज इट फॉर. बिल्कुल, जो चाहिए. लेकिन आप जैसा टैलेंट खोना नहीं चाहेंगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि जैसे उनको कन्वीनियंट हो वो तैयार हो जाएं, ठीक है? और जब वो तैयार हो जाएं आप मुझे फोन कीजिए, आपके टिकट्स पहुंच जाएंगे उनके पास. लेट देम कम टू बॉम्बे. और वो आपके पास रहेंगे, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी देखभाल होगी. और संजुति, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स वी हैव, सो वी कैन नॉट लूज यू. आप जाएंगी भी नहीं, और आपके मम्मी डैडी यहाँ पर आएंगे, और बहुत ही निश्चिंत होके आज आप परफॉर्म कीजिए. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you.
थैंक यू सो मच. संजुति, तुमने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिया है. सी व्हाट अ वंडरफुल सिंगर यू आर. कि पूरा माहौल इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी तुमने अपने सारे दुखों को भूलकर जिस शिद्दत के साथ परफॉर्म किया, वो दिखाता है कि तुम में कितना पोटेंशियल है. और वो पोटेंशियल तुम अगर छोड़ के जाना चाहती थी तो म्यूजिक के साथ बहुत नाइंसाफी होती. बहुत बहुत जबरदस्त, कमाल है, कमाल है. संजुति, अब तो कहीं नहीं जा रही है ना आप? नहीं. आप हमारे साथ रहेंगी ना? हाँ. और कुछ कहना चाहती हैं? मैं आज से दुगनी तिगनी मेहनत करूंगी और फुल अगर हक से मैं ट्रॉफी जीतने की कोशिश करूंगी. बिल्कुल बिल्कुल. ये बात, इतना अच्छा लगा कि ये गाना इतने सालों पहले हुआ था, इन्होंने कंपोज किया था, आज की तारीख में ये गाना हुआ था, तो आप ही से गवाते हो. क्या बात. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. अच्छा, इस गाने की एक छोटी सी हिमेश जी की कहानी है, छोटी सी बता देते हम लोग कि हमरस जो इस फिल्म का जो गाना है, हमरस फिल्म का, तो ये टाइटल जो है वो म्यूजिकल टाइटल नहीं है. तो हमारे सब गाने रिकॉर्ड हो चुके थे और हमने हिमेश जी से कहा कि हमको टाइटल सॉन्ग चाहिए. तो बोला एक म्यूजिकल वर्ड नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट. हमने बोला हॉन्टिंग मेलोडी चाहिए. तो एक दिन रात को 12:30 बजे 12:30 रात को फ़ोन आया इनका कि एक मैंने कंपोज किया है गाना, आप ज़रा सुन लेंगे. हमने बोला अरे इमीजिएटली आइए. तो हमारे उधर आए गाने में, ये खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, स्टीयरिंग पे बैठे हुए थे, अब्बास भाई बाजू में बैठे, मैं पीछे बैठा और गा के सुनाया, यही गाना गा के सुनाया. और जो रिदम है वो स्टीयरिंग व्हील पे ऐसा बजा रहे थे, तो वही हमने सुना. बोला सुपर फैंटास्टिक, दिस इज डन, कल ही रिकॉर्ड कर लो. हाँ, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अब्बास भाई, मुस्तान भाई. संजू जी, तुमने इतना अच्छा गाया है कि मैं तुम्हारे साथ दूसरा अंतरा जो इस गाने का है वो गाना चाहता हूँ. यस सर, थैंक यू सर. लाके छोड़ नहीं देना वादा, ये वफा का तोड़ नहीं देना. तुम हो, तुम हो, तुम ही हो. संजुति, फॉर द हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग, आपने मौसम बदल दिया. थैंक यू सर. अब वो जिनके पापा उन्हें और पापाओं की तरह टीवी लेकर नहीं दे पाए, भले ही पापा बेटी को टीवी नहीं दे पाए, पर ऐसा बनाया कि आज बेटी टीवी के बेस्ट शो की सबसे कड़क सिंगर है. तभी जो बेटी अपने पापा के कदमों में रख देना चाहती है दुनिया का हर जॉय, देवोश्मिता रॉय. तुम सा कोई दूसरा जमीन पे हो तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख
किसी गैर का हो तो कयामत से पहले कयामत होगी। बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुन के अच्छा लगा कि जो हिमेश जी बाजू में मेरे, उन्होंने कंपोज किया था, और जो गाने में फीलिंग है, इमोशन है, जो मेलोडी है, ये सुन के वापस अरे इतनी खुशी हो रही है कि डेबो रियली रियली तुमने बहुत अच्छा गाया। तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड में बारे में हमने काफ़ी सुना है, और तुम्हारे डैडी तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे के जो कुछ किया है, तो आज तुम उनको प्राउड फील कर रहे होंगे, वो ये सुन के ये देख के वो प्राउड फील कर रहे होंगे। रियली हाँ, कीप इट अप और ऐसे ही करते रहे। और हम लोग भी एक बात और बताऊँ कि हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि मदर फादर की दुआएँ हमारे साथ में हैं, ऐसा हम लोग बिलीव करते हैं। बेशक सर। और जब हमारे खिलाड़ी पिक्चर, बाजीगर पिक्चर जब रिलीज हुई, तब हमारे घर में टेलीफोन नहीं था, तो हम भी ऐसे घर में रहते थे कि जहाँ बस एक कॉल हुआ करता था, बस एक ही रूम में सब लोग पूरी फैमिली रहती थी, और फ़ोन भी पड़ोस में होता था, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। तो जो अपनी मेहनत करके जो आगे आए वो हमेशा याद रखना चाहे, और इसी तरह तुम भी आगे बढ़ो और सब करो, बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जजेस, देवोश्मिता की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए प्लीज। जी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।